असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो मुझे पता है कल वीडियो नहीं आई यार, सॉरी। मैंने ना संडे था गाइस, बहुत ट्राई किया कि वीडियो बने लेकिन वीडियो नहीं बनी, नहीं आ सकी, तो उसके लिए सॉरी कहूँगा। और आज आ गए यार, कोई बात नहीं। ठोको लाइक बटन सब के सब भाई, जितने बंदे देख रहे हैं सबसे पहले जाओ लाइक बटन ठोको प्लीज़। लाइक ठोकने के बाद गाइस गेम प्ले की तरफ आते हैं। हम लोग खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड, सर्वर था ये एशिया और मेरी रैंक है क्राउन वन आई थिंक। बस कभी क्राउन वन हो जाता है, कभी यस हो जाता है, वो फिर माइनस होते हैं ना, मर जाओ जल्दी तो फिर वापस हो जाता है। तो मतलब अच्छी लॉबी आई थी, बहुत अच्छी लॉबी आई थी। और आप आज देखो कि हम सांपो को किस तरह मारेंगे भाई, कल इस्तेमाल करेंगे सांपो को से, मौत के मुंह में भेजेंगे। तो पूरी पूरी वीडियो देखना, सबसे पहले शेयर लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी करना मेरी पब्लिक अनॉनिमस की पब्लिक। और जो लोग हैशटैग अनॉनिमस की पब्लिक यूज़ करते हैं ना भाई, दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू जितने लोग सपोर्ट करते हैं यार, लव यू सो मच गाइज, लव यू सो मच। बाकी गाइस हम लोग लैंड कर रहे थे कंटेनर्स पे, एक स्क्वाड आ रहा था पास में। और डुओ में क्या होता है कि अगर एक नॉक हो गया ना तो दूसरा टीममेट प्रेशर में आ जाता है, और डुओ में ये थोड़ा सा हमें मसला होता है। अगर तीन बंदे हों फिर थोड़ी इजी हो जाता है, स्क्वाड हो तो फिर और ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन डुओ में एक भी नॉक हुआ ना बहुत प्रेशर आ जाता है दूसरे के ऊपर। तो लेकिन हमने कोई बात नहीं भैया, कल इस्तेमाल करेंगे माउंट कुछ होंगे से वापस आ जाएंगे, जो का अच्छे किलो का नाड़ा अच्छे किलो का, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। सामने बंदा था, मैंने कहा इसको कंटेनर से नीचे गिराते हैं, इसको ज़्यादा लूट। ने टॉम मी गन का स्प्रे किया, और ये भाई साहब तो भाई अभी अभी आए थे। अले 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 अले, टावर के अंदर जाके बैठोगे आप, जैसे हमने आपको देखा ही नहीं है, मेरा छोना मेरा बाबू। यहाँ मैंने भाई साहब को नॉक किया, उसके बाद हमने मतलब लूट। अभी देखो मैंने M24 गाइस यहाँ पे देखे, मैंने यहाँ पे छोड़ दी, क्योंकि ना अभी बंदे ज़्यादा थे तो AR यूज़ करना बेटर था। M24 होती थी फिर M1 बचती ना, इसलिए मैंने, मुझे पता M24 कहाँ पे हम लोग उठा लेंगे जाते हुए। और अभी यहाँ पे ये बंदा भाग रहा था भैया, तुम्हें जॉर्जपुर से भाग नहीं होता, तुम जॉर्जपुर आते क्यों हो? हाँ, अकल इस्तेमाल कर रहा था भाई। अले अले अले, आप सांप बन गए, हमने आपको देखा ही नहीं। अले 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 अले, भाई को यहाँ पर हमने फिनिश किया, इससे मौत के मुंह में भेजा, क्रेड बनाई भाई की, कान के नीचे लगाया भाई के। और DP की अपनी रीलोड। अब मुझे बताओ जब अनॉनिमस चलाता है DP तो क्या होता है, जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ, जल्दी 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 सारे के सारे कॉमेंट करो पब्लिक। जब अनॉनिमस चलाता है, अटक गया, जब अनॉनिमस चलाता है DP हाई होता है एनिमिस का BP। अभी गाइस एक बंदा ना M24 पे ना ऊपर ना वो यूज़ कर रहा था टावर से M24 यूज़ कर रहा था। फिर हमने कहा भाई अगर आप M24 यूज़ करोगे हम यूज़ करेंगे M416, जो कि सबकी फेवरेट है। और कान के नीचे लगाया M416 से भाई, टीममेट भी ऊपर था भाई, रिवाइव देने जा रहा था, तो हमें काफ़ी ख़राब लगा, हमने कहा हमारा किल जाएगा। और हम बड़े, अरे मेरे बैक की स्किन निकली गाइस, देखा RP वाली बैक की स्किन, जैसे मैं आगे जा रहा था भाई इसका टीममेट साइड से आएगा लेफ्ट से, देखो मैंने अचानक से स्पॉट किया, अचानक से आपके अनॉनिमस ने कान के नीचे लगाया भाई से, मौत को छुआ से वापस आ गया यहाँ पे, इसको फिनिश किया। इसकी करेंगे हम लूट, और लूट करने के बाद अभी वो बंदा ना ऊपर से गिर चुका है, उसके साथ मुझे किल भी मिल गया था, लेकिन एक बंदा था अभी भी। और एक नई टीम आ चुकी है पीछे भाई कंटेनर से, पता नहीं कहाँ से लूट वूट करके जॉर्जपुल आ गए बंदे मारने। हमारी वाली ट्रिक यूज़ कर रहे हैं भाई, सिटी लूट के जॉर्जपुल जाके मारेंगे, अकल इस्तेमाल करेंगे तो हम ही मारने आ गए भाई, ये तो काफ़ी ख़राब बात है। तो उसके बाद बंदा ना ऊपर था और ये अकेला बचा था, क्योंकि एक बंदा जिसको मैंने नॉक किया था ना गाइस M24 वाला गिर के नॉक हो चुका था। हमने भाई नेट निकाला, हमने कहा नेट से मारेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे नेट से बंदे नहीं फटते, कभी कभी होता है। अब हमने कहा भाई नेट हो गया, अब हम जाके करेंगे ऊपर रश, क्रेड बनाएंगे भाई साहब की। हमने ज़रा धुड़की लगाई ऊपर भाई, लगाया पांचवा गियर और भाग रहे थे, लेकिन जाते जाते भाई हमारे टीममेट ने उसको मार दिया था, तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ और आके, लेकिन एक फ़ायदा हुआ ऊपर आके हमें M24 मिल गई। और लेकिन क्या अभी ना एक और स्क्वाड आ चुका है, स्क्वाड और स्क्वाड आएंगे जॉर्जपुर में भाई। तो जैसे मैंने देखा बंदा सामने आके लूट कर रहा है भाई, देखिए इसकी गाइस इसकी पिंग देखना, इसकी पिंग देखना गाइस, खेल रहे तो फिर जॉर्जपुल क्यों आ रहे भाई, ये हमारा ससुराल है, हमें एक एक कंटेनर्स का पता है, हमें पता कैसे क्रेड बनाते हैं, कैसे कान के नीचे लगाते हैं, कैसे से मौत के मुंह में भेज के से वापस आ जाते हैं। अनॉनिमस फॉर्म में आया हुआ है ना, कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा है, देख रहे हो बैक टू बैक, मतलब कोई कट नहीं भाई, अनॉनिमस जब कमेंट्री करता है ना रुकता नहीं है, शुरू हो जाता है बस करके करके बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। अरे अरे भाई रिवाइव देने आ रहे थे, हमने कहा भाई कोई बात नहीं घुस जाएंगे, जो होगा अच्छे के लिए का नाड़ा अच्छे के लिए का, तो हमने कहा भाई घुस जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बाबा जे। भाई साहब ने ना लेकिन हमें डैमेज बड़ा गंदा दे दिया था, टेंशन नहीं लेनी थी, लेकिन हम यहाँ पे टेंशन नहीं लेंगे भाई। एकदम से इसने पता नहीं क्या किया, अपनी हेल्थ चली गई, हमारे पास हेल्थ नहीं थी, मैं टीम को बोला भाई बाकी बातें बाद में, पहले हमें फर्स्ट एड दे दो, ज़िंदगी खतरे में हमारी, हम मौत के मुंह में चले गए तो इसे वापस नहीं आ पाएंगे, हमें पता है जब हम नॉक होते हैं हमें कोई रिवाइव नहीं दे सकता, और फौरन से आके हमने फर्स्ट एड लगाया।
देख रहे हो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी, जितनी तेज थी मैं अभी बोल रहा हूँ इतनी तेज मेरे दिल की धड़कन थी। फिर हमने एडिलिन लगाया, और एडिलिन लगाने के बाद बस ज़्यादा ही जल्दी बोल रहा हूँ मैं, आराम से थोड़ा। एडिलिन लगाने के बाद हमने कहा अब बताएंगे आपको सर, आपने काफ़ी डैमेज दिया हमें अपनी डीपी से, लेकिन आई थिंक वो रिवाइव हो गया था, उसके टीममेट ने आके ना उसको रिवाइव दे दिया था क्योंकि हमने नॉक छोड़ा था। फिर अपने टीममेट को बुलाया, भाई आओ साथ में रश करेंगे क्या, अगर मुझे क्योंकि डीपी ना गाइस काफ़ी खतरनाक होती है, आ गया तो भाई फिनिश करेगा। डीपी रीलोड भी इतनी देर, मतलब डीपी फिनिश करने के बाद ना आराम से नॉक और फिनिश करती है, उसके बाद रीलोड। अले 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 आप नहीं कर रहे, हमने तो आपको देखा ही नहीं अभी गाइस। हाँ देखो रिएक्शन टाइम रिफ्लेक्सिस देख रहे हो अनॉनिमस के, आपका अनॉनिमस जब तीन चार दिन ज़्यादा खेलता है ना गेम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गेम काफ़ी अच्छी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद भाई इसको भी हमने अचानक से मारा, ये अपने टीम को अच्छी कवर दे रहा था, लेकिन अब क्या गड़बड़ है कैस के सिटी से एक और स्क्वाड आ गया फाइट लेने, भाई जान ही नहीं दे रहे जॉर्ज पुल से, क्या दुश्मनी है भाई हमारी, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हाँ हमने कौन सा उधार कर रखा है भाई आपसे, जो आप हमें सिटी की बाउंड्रियाँ आ गई भाई मारने के लिए, इज्जत ही नहीं है। फिर गैस हमने कहा भाई देखो एक हेडशॉट लगाया कान गेंची ना गैस गाड़ी लेके भागते हैं हम, और ये गए भी थे एकदम पीछे से, तो मैं देख रहा था कि गए कहाँ से भाई ना, कोई बात नहीं भागो, कहाँ तक भागोगे, हमारे ससुराल आके दरवाज़ा बैल बजा के भागोगे हम आपको छोड़ देंगे, हैं ससुराल वाले की बैल बजा के भागोगे हम आपको छोड़ देंगे, ना 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 ना। आगे भाई गाड़ी चेंज कर रहे थे वो, देखो कॉन्फिडेंस देखो लड़कों का भाई, दो दो गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं भाई, वाह हमने भाई रोकी अपनी मेहरान गड्डी हमको, से एक गया से दूसरा गया और तीसरा जो है वो भाई भाग, उसने तो भाई नीचे जंप कर देना कि दूसरा मिले, हमने कहा ना 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 ना। अब इसका एक टीममेट गाइस पीछे जाकर ना घरों में रुक जाता है भाई, और अब हमारे टीममेट की हेल्थ कम है लेकिन भाई इनको लूट चाहिए, क्रेड देखेंगे, क्योंकि फिर ये बोलते हैं बाद में कि भाई हम तो आपकी बात मानते हैं कि दोनों हाथों से लूटो बाकी बातें भूल जाओ, तो भाई हेल्थ भी तो देखो ना, अकल भी इस्तेमाल करो ना, मैं तो ये भी बोलता हूँ अकल इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे हमारे टीममेट नॉक हो चुके हैं, और फिर हमने भाई छोड़ दी बाकी चीज़ें, हमने कभी सेव करेंगे टीममेट को मरने देंगे, नहर वाले पुल पे टीममेट मर गया फिर वो कहेंगे ऐसा नू नहर वाले पुल तक बुला के साडा टीममेट मर गया, भाई इसने तो मेरे भी कान के नीचे लगा दिया, मेरी ज़िंदगी फिर ज़्यादा ही कुछ खतरे में आ गई, और जंप करते करते जाते इसने दूसरा भी लगा दिया भाई मेरे कान के नीचे, मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। फिर भाई हमने रिस्क लिया, हमने कहा जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा खच्चे के लिए होगा, नहर वाले पुल पे हम लोग रिवाइव देंगे, मर गए तो मर गए, जिएंगे मरेंगे साथ साथ, बस यहीं पे मरेंगे मरेंगे, तो भाई हमने रिस्क ले के रिवाइव दिया, उसके भाग के अकल इस्तेमाल करके हम ब्रिज के साइड पे आके अपने आप को हील करने लगे, हीलिंग नहीं थी। और फिर हमने भाई बूस्टर दे दिया अपने टीममेट को, हमने कहा बैंडेजेस लगाएंगे पट्टियाँ लगाएंगे अपनी जान बचाएंगे, फिर हम पट्टियाँ लगाने लग गए भाई, सुकून सुकून से एक एक बैंडेज लगा रहे थे, एक एक बैंडेज के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन धक 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 धक, भाई पूरा जॉर्ज पुल लूटने के बाद भी फर्स्टेड नहीं है, कैसी जिंदगी है भाई ये, क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल बहुत ही ख़राब लग रहा था भाई हमको तो गाइस। फिर हमने बैंडेज लगा ली, लेकिन हमने कहा भाई देख तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तूने हमारे पिछवाड़े पे कार 98 का शॉट मारा था, तुझे ऐसे तो नहीं जाने देंगे, तो भाई सब क्लोज आ चुके थे, तो फिर अरे यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा बैक आ गए हम, चलो कोई बात नहीं, भाई सब क्लोज आ चुके थे, मैं भी दोबारा वही बात बोलता हूँ, तो भाई सब क्लोज आने के बाद भाई देखना गाइस कहाँ पे बैठा होगा ये, अरे हमने तो आपको देखा ही नहीं, से कान के नीचे लगाया क्रेड बनाया, कान के नीचे लगा के आपको मौत के मुंह में भेजा, वापस लॉबी में जाओ दोबारा मैच लगाना सर। और उसके बाद हमने आराम सुकून से लूट की और उठाई अपनी फिर सस्ती जीप कुछ भी बोल सकते हैं, उठाई हमने क्या सुजुकी लोडिंग वाली, हाँ लोडिंग वाली सुजुकी उठाई हमने अपनी, और फिर हमारे वो होती है ना वो बोलान लोडिंग वाली सुजुकी, हाँ वही 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 है ये। फिर हमने आके यहाँ पे फ्लेयर चलाई, और फ्लेयर में हमने सोचा था हमारी पहली मोहब्बत आम आएगी, लेकिन ऐसा दिल टूटा, लेकिन हमने फिर भी लेवल 3 उठा लिया, दिल टूटा तो क्या भाई लेवल 3 नहीं उठाएंगे। अब गाइस आप देखो कितना बड़ा सर्कल और कितने मतलब कितना छोटा सर्कल था, और 27 अलाइव थे, एक बार आप दोबारा देखना यहाँ पे सर्कल वाकई काफ़ी छोटा था लेकिन अलाइव बहुत ज़्यादा थे, ये देखो अरे हाय हाय हाय। फिर हम यहाँ पे आए और वो देखो गाइस लेफ्ट में एक बंदा दिखता है सोलो, और फिर भाई अब मैंने कहा यहाँ पे बंदे तो मैं गाड़ी पीछे रोक देता हूँ अपनी लोडिंग वाली सुजुकी, मैंने कहा अकल इस्तेमाल करेंगे भाई तुम्हारी क्रेड बनाएंगे, और मैं आगे आके ना यहाँ पे थोड़ा टीपीपी लेते हैं, हमने कहा बंदे कहाँ हैं, जम करके देख रहा था लेकिन भाई तो भाई अकल इस्तेमाल की हुई थी, भाई ने भी भाई भी हमारी वीडियोस देखते हैं शायद ऊपर बैठा था चढ़ के, तो मुझे पता नहीं था, मैं ये सोच रहा था सांप ना बनाऊँ क्योंकि ऊपर होता वो मुझे पहले ही मार देता, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई ने गर्दन निकाली, अले 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 हमारी ज़िंदगी खतरे में आ गई भाई, लेकिन भाई सुपरमैन बन गए थे, लेकिन हमने बनने नहीं दिया सुपरमैन, भाई को फिनिश किया। फिर हमने कहा भाई ना सुपरमैन बनोगे तो आपकी क्रेड बनाएंगे, से मौत के मुंह में भेजा भाई साहब को, उसके बाद आराम से की लूट,
और थोड़ी देर बाद नीचे फायर ड्रिल से गाइस मैं नीचे आया और यहाँ पे भाई इसके कान के पास से गोली गुजरी, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे थे, एक बंदा स्नाइपर चला रहा था खड़े होकर और इनकी बाकी तीन बंदे ना गाड़ी लेके घूम रहे थे। तो अब इसने जब डैमेज दिया तो मैंने मेडकिट लगाया, इतनी देर में इनकी गाड़ी आ जाती है, इनकी गाड़ी आती है तो भाई हमारे टीम मेट से कभी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे भाई M416 से और 4x मुझसे पहले दो मैंने दी कवर, उसके बाद मैंने कभी रिवाइव देते हैं थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिच था जिससे क्या हुआ कि मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया। लेकिन अभी जो गज नीचे बंदा था ना जो स्नाइपर चला रहा था वो M416 थी शायद या M16 थी जो टैप टैप करके मुझे डैमेज दिया था, पत्थर पे था वो बंदा रश करने लगेगा। अब इनके तीन बंदे एक साइड से रश कर रहे हैं और ये सोलो बंदा एक साइड से रश कर रहा था, हमारी तो जोकर भैया के हमने कान के नीचे लगाया, इनको बकरी बनाया। हमने कहा भाई क्या कहाँ क्यों से बकरी बना दिया भाई, हमने कहा कोई बात नहीं हीलिंग करेंगे एडलिन मारेंगे जो होगा अच्छी गली का नाड़क अच्छी गली का। मेरी बात हमेशा याद रखो गाइस, जब फाइट हो रही हो या होने वाली हो बूस्ट कर लो और जब देखो तो बूस्ट कर कमाओ। या तो फिर हमने कहा भाई आप हम ऐसे धोखा करोगे तो हम तो फिनिश करेंगे आपको ना, 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 ना। अले अले आप फिनिश हो गए, दोबारा मैच लगा लेना, अब इसके बाकी टीम में ट्रश करेंगे। मैं तो बड़े मजे से लूट कर रहा था आके, हमने कहा भाई कोई बात नहीं उनकी ना मतलब पहले एक और स्क्वाड से ना आगे फाइट हो जाती है और वो लोग उनको मार भी देते हैं, मतलब जोकर के बंदे ना मार देते हैं बाकी वाले स्क्वाड को। तो भाई वो मेरे को लग रहा था काफ़ी, मतलब जब उन्होंने मारा ना मैं तो भाई जिंदगी मेरी वाकई में खतरे में आ गई थी। मैंने कहा भाई लो ये तो अच्छे बंदे हैं और ये पेल देंगे, एक एक करके जम करके आ रहे थे। अले अले हमने आपको देखा नहीं, अले अले हमने आपको भी नहीं देखा सर जी, और आप तो हमें नजर आए ही नहीं और हमने यहाँ मौत को छुआ और से वापस आ गए गाइस। गाड़ी फाड़ी वाला सुहा जब ऐसे बंदा मारता ना फिर फीलिंग में आ जाता है, सातवें आसमान पे उठ रहा होता है, तो गाइस मैं भी ऐसे उठ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्क्वाड वाइप किया और इसके बाद ना आराम से की लूट। अब 70 में बंदे थे वो देखो गाड़ी में बैठा है, सर 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 कहाँ जा रही हैं आप। तो हमने यहाँ पे इसको एक और बॉडी मारी और उसके बाद एक और बॉडी शॉट मारा, यहाँ पे इसका क्रेड बन गया भाई। लेकिन इसके टीममेट ने कहा आपने हमारे टीममेट को मारा हम आपके टीममेट को मारेंगे, यहाँ पे हमारे टीममेट नॉक हो गया, हमारे नेपाली भैया ने हमारे टीममेट को नॉक किया। मैंने ट्राई किया बचाने का, एक स्मोक किया दूसरा स्मोक किया, मैंने कहा भाई दूसरा इतनी देर में ना एक और आर्म लग जाता है, मैं टच भी किया लेकिन इतने में तीसरा आर्म लग जाता है, तो हमारे टीममेट को मार दिया भाई। फिर हमें इतना गुस्सा आया जितना उसको आया था ना, वो क्या था वो कौन सी मीम थी वो क्रिकेट के बाद मुझे कमेंट करके बताना यार, मेरे जहन से निकल गया, याद करूंगा तो फिर थोड़े देर ना चुप रहना पड़ेगा। वो जो मैच आ रहा था पाकिस्तान इंडिया से और फिर वो ग्रीन कपड़ों में बंदा कोई डायलॉग बोल रहा था ओए मारो मुझे ऐसा कुछ करके, वो कमेंट करना क्या था। फिर गाइस हमने उठाई अपनी भाई लोडिंग वाली शुरू की और आ गए साइड पे, यहाँ पे मैं फाइट ले रहा था बिल्कुल एक साइड पे आ गया था मैं, और यहाँ पे ना दो स्क्वाड थे एक सामने और एक राइट पे नीचे और मैं अकेला हूँ। जब मैंने इसको मारा भाई मुझे तो ओम पड़ गई नीचे से, लेकिन ये ओम वाला बंदा ना इससे अपनी दुश्मनी हो गई, इसने हमें डैमेज दे दिया ना गंदे वाला, इससे भाई अपनी लड़ाई हो गई आज के बाद, कोई सुलह नहीं है भाई कोई नहीं आज के बाद, हम मतलब इस गेम में तो अब आप हमारे दुश्मन हो गए हो। अब मैंने गाइस एक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं हील करूँ बैठ के, दूसरा मेरे पास था कि मैं स्मोक करके हील करूँ, तो हमने कहा भाई थोड़ी देर वेट कर लेते हैं स्मोक करके करते हैं। गाइस आपने दूसरी चीज़ देखा मैंने गाड़ी से ना थोड़ा पीछे हूँ मैं ताकि मुझे गाड़ी के नीचे से शॉट ना पड़े, लेकिन अभी क्या है गाइस जोन बन चुका है 50 मीटर्स दूर और मुझे जोन में जाना है। तो भाई यहाँ पे मैंने पेन किलर वेन किलर मारे और उठाई अपनी गाड़ी, लोडिंग वाली सुजुकी हमने कल इस्तेमाल की, ऊपर तो जा नहीं रही थी भाई, फिर मैंने गाड़ी रिवर्स करी देख रहे हो लड़का ना कभी कभी अपनी लैंग्वेज बोल नहीं देता है, रिवर्स की और उसके बाद भगाई अपनी बोलान लोडिंग वाली सुजुकी और मैं एंड में चला गया। लेकिन वहाँ पे भी कार 90 चल रही भाई, ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी आती है, यहाँ पे जंप लगाई फिल्म स्टाइल और ना मैंने आप गाड़ी में देखना स्लो करके कि जब मैं गाड़ी में था ना तो मैंने बंदा देख लिया था प्रोन है, मैंने गाड़ी से जंप की फ़ौरन से उसको मारा, एक और बंदा आ रहा था यहाँ पे सोलो। अरे हमने आपको तो दिखा ही नहीं सर, इसको भी मारा, आप दोनों को एकदम से आके ना एकदम फिल्मी स्टाइल में दो को मार चुके हम और वो एक बंदा सामने को भाग रहा था, अरे इसको बस मरते मरते बचाइए भी, जिंदगी इसके भी खतरे में आ गई। गाइस आप देख सकते हो जोन हमारा था कोई 20 मीटर्स दूर, लेकिन हम टेंशन में नहीं थे, हमने कहा जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। लेकिन अभी मैंने ना एकदम घबराया हुआ भी था, मैंने उस टाइम नोट नहीं किया था कि जोन आ रहा है, लेकिन अचानक जब मुझे पता चला कि जोन आ रहा है हमने उठाई भाई अपनी लोडिंग वाली सुजुकी भगाई और मैं रिच पे लगा रहा था ताकि मुझे अच्छी कवर मिल जाए, हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई, फिर हमें लगा नहीं थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए, हमने यहाँ पे जिंदगी खतरे में आ गई भाई, जो मुझे डराता है ना मैं उसको फिर अचानक से फिनिश कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 20 किल हो चुके थे, इसको मैंने फिनिश किया। अब मुझे लग ही रहा था कि पत्थर है ना गाइस, इसका इसके टीममेट ना पत्थर के पास ही होंगे, मैं जंप करके देख रहा था। आपको बंदे स्पॉट करने हो ना थोड़ा सा सेफ रह के ना ऐसे जंप करो,
जंप करोगे ना आपको ना लाजमी घासों में नजर आएंगे। अब देखना यहाँ पे भी वो रहा, ऐसे जंप करने से बंदा स्पॉट हुआ और मैंने पहले स्प्रे दिया घास में, नहीं लगा, दोबारा लगा उसको, नॉक करने के बाद मैंने फिनिश किया। अब इनका जो एक बंदा बचा था ना उसको नीचे से, जिसने मुझे पहले M2 ऑम मारी थी ना, मैंने आपको कहा था कि इससे दुश्मनी, उसी बंदे ने नीचे से ऑम से इसका टीममेट मार दिया। अब बचे 1v1। मैंने आपको कहा था ना इसने मेरे कान के नीचे ऑम लगाया, इसको जाने दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑम है। पबजी वाले ने कहा लो ऑम मुबीन, जाओ मुबीन ऑम वर्सेस ऑम करो मुबीन। और बंदा काफ़ी अच्छी ऑम चला रहा था भाई, तो हमने कहा भाई चलो बॉडी। लेकिन एक बात है, जितना भी अच्छा स्नाइपर था भाई, जितनी भी तेज पीक ले रहा था, मैंने दो बॉडी मारे हैं उसको आप देख सकते हो, लेकिन भाई ने बॉडी नहीं मारा। ना 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 ना, हमने कहा ना भाई ना, आपने हमसे दुश्मनी ली, आपके कान के नीचे लगाएंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी टच नहीं कर पाया भाई हमको बुलेट ऑम की। और हमारे पास जब ऑम होती है ना हमारी पहली मोहब्बत, हम तो सातवें आसमान पर उड़ रहे होते हैं। आप खुद सोचो जब आपकी क्रश आपको बोले, या आपकी क्रश आपके साथ, या आपकी क्रश आपके हाथ में हाथ डाल के चल रही हो, जैसे अभी मेरे पास ऑम, तो कैसा फील करोगे आप? वैसे ही फील मैं कर रहा होता हूँ। उसके बाद गाइस हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, देखो राइट लेफ्ट कर रहा था कि उसको पता ना चले मैं पीक कहाँ लूँगा। और यहाँ पे आई थिंक मैं उसको दूसरी बॉडी अब मारूंगा, ये लगी उसको दूसरी बॉडी शॉट, एक भी नहीं मार पाया अल्हम्दुलिल्लाह। जोन आता है बंदा भाग रहा था, मैंने एक ही ओम ट्राई किया, हमने कहा ना दोबारा नहीं, स्प्रे किया अपने M16 का और हमें मिला भाई विनर विनर चिकन डिनर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने यहाँ पे स्वैग में थोड़े मुक्के शुक्के मारे, डैमेज देख सकते हो भाई, मतलब 3500 का डैमेज था अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा गेम किया था गाइज। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताना। एशिया सर्वर था ये और 30 मिनट का गेम प्ले चला था। और गाइज लाजमी यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे ना मतलब मज़े की क्लिप्स आते हैं वीडियो, तो आप जाके लाजमी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, वेट करना हमारी नेक्स्ट वीडियो का, इंशाल्लाह जल्दी आएगी। ये हमारा करी रिजल्ट है, आप देख सकते हो क्राउन 1 का गेम प्ले था, 50+ हुए थे। और ये रहा हमारी पॉपुलैरिटी टॉप 10। मिलेंगे गाइज इंशाल्लाह कल, ख्याल रखना अपना बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।